यहाँ पर दो बेडरूम का और एक स्टडी रूम, ओके, दो बेडरूम के साथ। तो इसका डिज़ाइन हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इसका फ्रंट एलिवेशन आपके सामने हमने पेश किया है। तो देखिए, यहाँ पर जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत ही सिंपल फ्रंट एलिवेशन है। ब्रिक का सिंबल हमने वॉल में क्रिएट किया है। यहाँ पर जो आपको छत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इधर से आप एक स्टेयर करके छत के ऊपर जा सकते हैं। तो इधर भी आप एक गेट रख सकते हैं इस छत को यूज़ करने के लिए। यहाँ पर स्टेयर रूफटॉप है। यहाँ पर देखिए फ्रंट का एक पोर्च एरिया है। यहाँ पर कुछ लाइट लगा हुआ है जो आपको हमारा जो थंबनेल है थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट एलिवेशन में यहाँ पर जो एक यहाँ पर विंडो, इसका वी टाइप का शेप यहाँ पर डिजाइन है। यहाँ पर दो पिलार है और इसका जो चाजा है इस टाइप का चाजा मैंने किया है। तो यूनिक टाइप का कुछ यहाँ पर यूज किया है। और इधर जो है देखिए इसका जो पैरापिट वॉल है, इधर भी हमने सिंपल डिजाइन किया है। और इसका जो रूफ टॉप है, इधर भी सिंपल डिजाइन है। तो आपको इसका अंदर क्या क्या मेजरमेंट मिलेगा, इस यहाँ पर आपको एक्चुअली 28x42 का हाउस प्लान मिलेगा, जहाँ पर आपको बड़ा सा इसका दो बेडरूम। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो डिजाइन है यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो डिजाइन है इसका हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इसका हमने इसे रखेंगे, ठीक है। तो इधर देखिए ये 14 फीट 8 इंच बाई 32 फीट का हाउस डिजाइन है। तो इस डिजाइन के अंदर हमें जो प्लानिंग मिला है, प्लान वाइज यहाँ पर 13 फीट 4 बाई यहाँ पर 9 फीट 6, यहाँ पर मेन जो बेड है यहाँ पर 13 बाई 12। बाकी जो पोर्शन है यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा रखा है, जहाँ पर आप थोड़ा सा सोफा सेट यूज रख के यहाँ पर घर का डिजाइन कर सकते। इधर आप आपका जो बेड है यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बेड। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पार्ट है इधर ऐसे रहेगा, इधर जो पार्ट है ऐसे रहेगा, इधर मेजरमेंट ऐसे रहेगा 10 फीट बाई 5 फीट 5 इंच, ओके। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो है टॉयलेट एरिया, यहाँ पर किचन रूम का जगह यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल रूम मिलेगा। तो इतना बड़ा जगह आपको मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर स्टेयर है, इधर से आपको घर के अंदर जाना है, इधर से स्टेयर आप करना है आपको। देखिए इधर से स्टेयर आप करना है। तो टेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्या है यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम कम कम स्टडी रूम, बेडरूम और STUDY स्टडी, ओके। यहाँ पर बेड, यहाँ पर भी बेड, यहाँ पर किचन, यहाँ पर टॉयलेट एंड सॉरी लेट एंड बाथ, लेटरिन एंड बाथ एरिया, ओके। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इधर जो है डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया आपको इधर मिलेगा। तो फ्रंट में यहाँ पर पोर्च पोर्च एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे रहेगा डिजाइन इधर। तो प्लान क्या रहेगा, प्लान का वाइज यहाँ पर डिजाइन ऐसे आपको दिखाई देगा, ओके। और यहाँ पर जो मेन है इधर आपको ऐसे दिखाई देगा। तो आपको फ्रंट एलिवेशन और इसका जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आपको इस डिजाइन को अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और 3D डिजाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इसमें हमने जस्ट एक विलेज एरिया का सिंपल डिजाइन आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो फाइनल रेंडरिंग करने के बाद आपको ऐसे डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे इधर देखिए दिखाई दे रहा है। तो रेंडरिंग करने के बाद ऐसे डिजाइन आपको मिलेगा। देखिए फाइनल रेंडरिंग करने के बाद ऐसे रेंडरिंग हो रहा है इधर। तो रेंडरिंग करने के बाद आपको ऐसे ही डिजाइन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर फाइनल रेंडरिंग देखना है तो आप पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर फाइनल ड्राइंग, तो आप एक बार फाइनल ड्राइंग यहाँ पर देख लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप घर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो बेड, यहाँ पर एक बेडरूम का स्टडी रूम, यहाँ पर किचन, यहाँ पर लेट बाथ, यहाँ पर डाइनिंग ड्राइंग, यहाँ पर पोर्च एरिया, इधर से रूम के अंदर जाने का रास्ता, इधर से स्टेयर, यहाँ पर लिविंग एरिया, यहाँ पर दो पोर्शन फ्रंट में आया है। तो आप यहाँ पर बरामदा भी कर सकते या रूम के अंदर भी रख सकते, ठीक है। तो इस प्लान डिजाइन में हमने
40 फीट 8 इंच बाई 32 फीट का डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इसके लिए इसका जो एक्चुअल जो मेज़रमेंट आएगा कितना आएगा देखिए, तो हम यहाँ पर 41 × 32 = 1312 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन का जो प्लानिंग है यहाँ पर किया है। तो यही था फाइनल प्लानिंग डिज़ाइन। तो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।